और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच घमासान नए लेवल पर पहुंचता हुआ मणिपुर को लेकर के विपक्षी सांसदों ने विरोध का नया तरीका अपनाया है। कल सभी सांसद काले कपड़े पहन करके संसद में आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी सांसद जो कि INDIA गठबंधन के तहत अब केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, कल संसद में काले कपड़े पहन करके आएंगे और सरकार को घेरेंगे। मणिपुर को लेकर के संसद में कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है और विपक्ष नए सिरे से विरोध को आगे बढ़ाएगा, काले कपड़े पहन करके संसद में पहुंचेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी सांसदों की ओर से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है इस प्रस्ताव को और इस पर अब अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा में। दरअसल विपक्ष की कोशिश है मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरने की और इसी मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अगले हफ्ते होगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि राज्यसभा में उनका अपमान किया गया, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके माइक को ऑफ कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि संसद में उनका अपमान किया गया है, माइक बंद करना मेरे स्वाभिमान पर चोट है। तो विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच घमासान लगातार जारी। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा में वो जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया और ये कदम उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने वाला है। मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसका प्रिविलेज को धक्का मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साथ डेमोक्रेसी नहीं है। तो विपक्ष की ओर से आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जिस पर अगले हफ्ते चर्चा होगी। इन सब के बीच आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी की थी। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि दो से यहां आकर के बैठ गए, दो से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। मणिपुर को लेकर के संसद में और संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है, आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। क्या हुई है बयानबाजी आपको सुनाते हैं। मणिपुर पर इस देश के सदन में चर्चा होने का इससे उपयुक्त, इससे सही समय दूसरा कोई नहीं होगा। मणिपुर के 60,000 विस्थापित लोग, वहां की 32 लाख जनता बड़ी आशा से सदन की ओर देख रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का सत्तारूढ़ दल विपक्ष क्या कहता है मणिपुर के बारे में। हम मणिपुर को कब तक जलने देंगे? 3 महीने हो गए और हम अभी भी हाथ पे हाथ धरे मुंह पे पट्टी बांधे बैठे रहेंगे। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है और उस पर चर्चा जितनी शीघ्र हो और प्रधानमंत्री उस पर वक्तव्य दें वो जरूरी है। उनकी चुप्पी अपने आप में शर्मनाक है। विपक्ष जिस हताशा में, निराशा में जी रहा है उसका लगातार प्रदर्शन कर रहा है सदन में। वो तख्ती लेके आते हैं कि हम मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं, गृह मंत्री खड़े होते हैं, हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं, बैठो चर्चा हो, वो चर्चा ही करने से भाग जाते हैं।
देखिए, जिस तरीके से विदाउट कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मणिपुर की स्थिति है, क्यों इस तरीके का माहौल है, जो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हों, जो अपनी जिम्मेदारी को किसी तरीके से निभा नहीं रहे हों, 100 से ज़्यादा FIRs हैं, वो खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया है? तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। देश चिंतित है, विपक्ष चिंतित है कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, मणिपुर में देखिए आप, और हमारे देश में दूसरे सारे विषय सारे मुद्दे देखिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट एक मंच है इस किस्म के विषय को चर्चा करने के लिए, और जब तक ये प्रधानमंत्री आना भी नहीं चाहता है लोकसभा में या राज्यसभा में, एक्चुअली हमारे लोग तो काफी असंतुष्ट हैं, और इसलिए हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए कि इसके लिए कम से कम जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा। जैसे ही सरकार ने कहा कि चर्चा के लिए तैयार है, वैसे ही उन्होंने कहा कि जवाब पे शर्त लगा दें, कि उनका क्या एफिडेविट दो कि जवाब कौन देगा। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप जो है वो कहें कि जवाब कौन देगा? अरे भाई, डिबेट करो। हमने पूछा क्या कि आपके चर्चा करने में आपके यहाँ कौन लिस्ट है, आपकी लिस्ट पहले दो हमें, तो आप चर्चा करो और जवाब जो देना होगा वो मिलेगा, जिसको जवाब देना होगा जवाब देगा, जिसको इंटरवीन करना होगा इंटरवीन करेगा, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिक्कत ये नहीं, आप चर्चा चाहते ही नहीं, चूहल चाहते हैं। Zee News.